लगता है आप सरकार की जान में फंस गई, जो मुख्य मुद्दे हैं उनके उनके पीछे हटकर आप जासूसी जासूसी चिल्लाने लगे। नहीं कुछ छोटी मोटी बात है, महिला हूँ, 60 महिला, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मुद्दे बड़े हैं, जासूसी मुद्दा तो छोटा है। देश को ये मंजूर नहीं होगा जो उन्होंने गुजरात में किया है, ये महिलाओं की जासूसी, ये हरकतें छोड़नी होंगी उन्हें। ठीक है, मैं गुजरात नहीं है, मैं सीधे चलता हूँ नुपुर शर्मा जी के पास। नुपुर शर्मा जी, कितनी जायज है मांग, और उन्होंने ये सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर हमारे ऊपर हमला होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा, तो हम सभापति पर भी हमला करेंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा लोग सभापति पर हमला करेंगे, कोई हथियार लेकर हमला नहीं किया है, जो कागज, जो बिल, जो कानून मंजूर नहीं है, उसे फाड़ना ही कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, वो हमला ही है मैडम, कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, वो हमला ही है। अलका जी कैसी बात कर रहे हैं आप, सभापति पर आप कागज फाड़ फाड़ के मार रही हैं। जो हमला हो रहा है वो हमला आपको नहीं दिख रहा, पूरे देश की नींव खोखली की जा रही है। आप सभापति पर हमला करेंगे, कागज के हवाई जहाज, इसका मतलब आप सभापति पर हमला करेंगे। अच्छा आप चुप जाइए, आपका जवाब मुझे कतई लॉजिकल नहीं लगता। पुलवामा का हमला आपको नहीं देखा, 40 जवान शहीद हो गए, नहीं देखा। गलवान वैली में क्या जवाब है आपके पास, पार्लियामेंट के अंदर कागज फेंके गए, हमला हो गया पुलवामा में, गलवान वैली में हमारे जवानों पर हमला हुआ, ये हमला नहीं है, इस सवाल नहीं पूछे जाए, इस पर जवाब नहीं लिया जाएगा। 300 करोड़ करनी थी, क्यों चीन पाकिस्तान की जासूसी पे 300 करोड़ खर्च नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में। आप उन 300 लोगों को लेकर ही घुस रही है, सरकार किसान के बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर करेगी। मैं सीधे नुपुर शर्मा के पास जा रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया अलका जी। नुपुर जी बताइए, कोई जवाब था इनके पास क्या सभापति के, इन्होंने आलोचना तक नहीं की कागज फेंके जाने की सभापति पर। देखिए दीपक जी नमस्कार आपको, पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को। मुझे नहीं पता था राहुल गांधी महिला है, महिलाओं के ऊपर जासूसी हो रही है, केवल राहुल गांधी मेरे सामने आके मेरे ऊपर जासूसी हुई है। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता था, आज पता चल गया। दीपक जी को चुप कर दीजिए, उसमें राहुल जी भी शामिल है, मैंने नहीं बोला। नुपुर शर्मा जी के पास चलूंगा। नुपुर शर्मा जी आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया है, ये जासूसी जासूसी कहते रह जाएंगे। कोरोना है, महामारी है, बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, किसी पर बात नहीं होगी, और संसद का सदन ये कथित जासूसी कांड पर वॉश आउट हो जाएगा। आपके लिए तो अच्छा वे मिल गया है निकल भागने का इन तमाम कठिन सवालों से। सही कहा, इनके लिए अच्छा है, बच के सब जवाब। दीपक जी आप अगर मेरा जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है तो मेरे को समय दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ अलका जी, आपकी रणनीति की मैं इसको आपकी रणनीति की विशुद्ध मूर्खता कहूंगा अलका लामा जी। अगर कोई आपके यहाँ ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है तो ये विशुद्ध मूर्खता है। देखिए उनको लोगों को बुलाइए जिनको डिबेट करना आता है, थोड़ी सहन शक्ति हो, थोड़ी सुनने की समझ हो, थोड़ी क्षमता हो, थोड़ी उम्र का तकाजा हो। भैया मैच्योर महिला है, ये क्या कर रही है टीवी के ऊपर? ठीक है, देता है। मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूँ, क्या जासूसी कांड में सरकार, सुनिए नुपुर जी, क्या जासूसी कांड में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? देखिए पहली बात तो दीपक जी, कांड हुआ भी है कि नहीं इसका तथ्य दिखाओ। दूसरी बात, आपने जो सरकार के ऊपर सवाल उठाए, बारी बारी सरकार ने, मंत्री ने खुद, आदरणीय वैष्णव जी ने खुद संसद के पटल पे खड़े होकर जवाब देने की कोशिश करी। हम सब ने देखा किस तरीके से टीएमसी के वो गुंडाई नेता, वो सांसद, उनसे कागज पर्चा खींच के फाड़ के वेल में वो उड़ा के चले गए। ये फिजिकल इंटिमिडेशन होता है। तीसरी बात, आज आप दिखा रहे हो सभापति महोदय के ऊपर किस तरीके से कागज फेंके जा रहे हैं। जब जवाब लेने को तैयार नहीं हो संसद के अंदर तो मुझे बता दो बाहर आके क्या बकलोली कर रहे हो। मुझे अपनी इस भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा, मैं माफी मांगती हूँ। टीवी के ऊपर कुछ सुर्खियां बटोर रहे हो, मेरे फोन में हथियार है तो मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए देश का कानून कहता है कि आप कह रहे हैं कि मेरे साथ गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है मेरे खिलाफ, तो देखिए देश का कानून कहता है आप जाके रपट लिखवाइए पुलिस के अंदर और बताइए कॉज ऑफ एक्शन ये रहा, मेरे घर वाले या जानकार की ऐसे मृत्यु हुई, उनको ऐसे मारा गया या ऐसे चोरी हुई, मौका है वारदात पे पुलिस को ले जाओ। चलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ सरकार भाजपा की, आप कहेंगे पुलिस काम नहीं करेगी, भैया सरकार भाजपा की है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या कीजिए। कानून ये
भी कहता है कि आप डायरेक्टली आप किसी भी कोर्ट में जाके सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं। आप केस की दर्ज कोर्ट के द्वारा आप जज के द्वारा करवा सकते हैं, उनकी संरक्षण में जांच करवा सकते हैं। हिम्मत है तो फोन दो, हिम्मत है तो जांच पड़ताल करवाओ, अरे हथियार तो निकलवाओ अपने फोन और अपने गैजेट में से। हाँ वो अलग बात है, शायद महिला है पता चल जाएगा। ये जो अलका जी ने आज बताई है सब पूरी दुनिया को, देश को, ये बात कि राहुल गांधी महिला है जिनके ऊपर जासूसी हो रही है, शायद इससे अपना रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे, शायद इससे अपना फोन नहीं दे रहे। लेकिन दो चीज मैं और कहूंगी, रफाल को कह रहे हैं भैया रफाल में दलाली हुई, शर्म नहीं आती? हमारे देश और संविधान के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के गेट पर जज बेंच ने फाइनल जजमेंट दी है। अरे बेशरम, अरे बेशरम, अरे बेशरम, कायर है सर्वोच्च न्यायालय को मानती, जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, आज यहाँ पे पड़बोला मत ना कीजिए, ये कॉन्टेंप्ट ऑफ कोर्ट है। जांच कराने की बात तो दूर, जांच के बाद में समझ होती तो इतना बड़ा बयान नहीं देती आप कि रफाल में दलाली हुई है। क्या जज बेवकूफ बैठे हैं? सर्वोच्च न्यायालय बेवकूफ बैठा है या देश का संविधान गलत है? कौन सिंह था, कौन सिंह था, सर्वोच्च न्यायालय गलत है, देश का कानून गलत है, आज के देश का संविधान गलत है या जज गलत है? सरदार है, क्या कहना चाहते हैं? कायर कोई नहीं है, तीन जज बैठे असली का सरदार मनमोहन सिंह था, उसे इस सरकार ने सही बताती ने ये नहीं कि यहाँ पे दलाली का आप यहाँ पे एक्यूजेशन लगाती। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।